प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण मिलेगा या नहीं, इसको लेकर आज फैसला सामने आ सकता है। निकाय और पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर शिवराज सरकार की ओर से दायर याचिका पर आज सुनवाई होगी। इसके बाद साफ हो जाएगा कि एमपी में 2022 के परिसीमन से चुनाव कराए जाएंगे या फिर 2019 का परिसीमन प्रभावी होगा। सुबह 10:30 का समय है जब सुप्रीम कोर्ट में सरकार की एप्लीकेशन फॉर मॉडिफिकेशन पर सुनवाई होगी। कोर्ट ने सरकार से ओबीसी आरक्षण पर और जानकारी मांगी है। वहीं ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के आकलन के बाद ही आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। आपको बता दें कि बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत और नगरीय निकाय में ओबीसी आरक्षण पर बड़ा फैसला सुनाया था। अपने फैसले में कोर्ट ने कहा था कि एमपी में बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव करवाए जाएं। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार को 15 दिनों में पंचायत और नगर पालिका चुनाव की अधिसूचना जारी करने के निर्देश दिए थे। तो मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण मिलेगा या नहीं, ये बात आज साफ हो जाएगी क्योंकि इसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। आपको बता दें कि सरकार पहले ही एप्लीकेशन फॉर मॉडिफिकेशन दायर कर चुकी है। इस याचिका पर आज फिर से सुनवाई होगी। कल एक सुनवाई हुई जिसमें कोर्ट ने अधिक जानकारी मांगी सरकार से ओबीसी वर्ग को लेकर, और आज फिर सुबह 10:30 सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होगी।